अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे उड़द की दाल के भजिए। उसमें ऐड करेंगे हम ऑनियंस, ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर लीफ। कल दही बड़ा बनाए थे ना, उसमें से आधा आटा रख लिए थे हम पीसे हुआ उड़द की दाल का, फ्रिज में लगा के रख लिए थे। आज वो भजियों के लिए काम आ रहा। इफ्तार के लिए बना रही मैं, रमज़ान का तीसरा जुमा मुबारक। उसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से साल्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्याज है, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव से हम चटनी के साथ। चटनी ऑलरेडी फल्ले की बना के रख ली मैं पहले, टाइम नहीं है बोल के। देखो अच्छे से मिला के रख ली, अच्छा साफ साफ सॉफ्ट हो गया, क्योंकि तो ऑलरेडी कल पीस के रखे सो है ना, इसलिए। स्टोव पे कढ़ाई रख देंगे गरम के लिए। कढ़ाई अच्छे से गरम हो गए तो हम उसमें डालेंगे ऑयल। बहुत टेस्ट रहता, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बच्चे केचप के साथ भी शौक से खाते, लेकिन मैं चटनी के साथ बना रही। उसमें डाल रही छोटे छोटे बॉल्स की तरह, बच्चों को सुबह में टिफ़िन में दे सकते या स्नैक्स में भी दे सकते। चने के आटे के भी बना सकते, लेकिन उससे डाइजेशन नहीं होता। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है उड़द की दाल, इसलिए मैं इसके ही बना रही। इसके बहुत टेस्ट आते, ज़्यादा हम यही खाते, कम चने का आटा इस्तेमाल करते हम लोग। आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करो। अच्छा ब्राउन कलर होना, भजियों का कलर आना, बहुत सॉफ्ट अच्छे रहते, बहुत टेस्ट भी आते। देखो कलर भी आ रहा, शायद मैं इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर दी, इसलिए निकालने में थोड़ा मुश्किल भी हो रही मुझे। जल्दी जल्दी कर रही, टाइम नहीं है बोल के इफ्तार के लिए। आप लोग तो थोड़े थोड़े भी डाल ले सकते। आओ कितना अच्छा दिख रहा, देखो बहुत मज़े के आते ये, बच्चे तो बहुत शौक से खा लेते। लो फ्लेम में बनाना है अपने को, क्यों तो हाई फ्लेम में रखे तो अंदर कच्चा कच्चा रहता आटा, फिर पेट में दुखता बच्चों के लिए, सही टेस्ट भी नहीं आता। लो फ्लेम में बनाए ना टेस्ट भी आता। क्रिस्पी क्रिस्पी रहते, देखो कितने अच्छे है बन गए पूरे। आप लोगों को एक ट्रिक बताती मैं, आप लोगों को जिसको भी रोज़ा खोले वैसे हार्ड लगता या वीकनेस हो जाती, बाड़ी पैरा हाथ दर्द हो जाते, रोज़ा खोले वैसे बहुत वीक हो जाती ना, ये हेल्थों के साँचेट बहुत अच्छा काम आता। ये बॉक्स में 4 साँचेट रहते, एक साँचेट 1 गिलास में डालकर रोज़ा खोल के पी लेना, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वीकनेस महसूस नहीं होती। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। ये बॉक्स कितने का है मुझे मालूम नहीं रेट, बहुत अच्छा रिजल्ट आता। बाजू वालों को हम इफ्तारी दे रहे, इफ्तार के लिए उनको प्लेट में रख कर देखो कितना अच्छा डेकोरेट करी। इफ्तार के लिए पूरा बिछा कर रख दिए सो, इफ्तार का टाइम हो रहा बोलकर। फ्रूट्स है, भजिए, जूस, दुआ का टाइम हो रहा। दुर्दे शरीफ पढ़ते बैठे सो रयान बाजू वालों की इफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं, उनको ये सब देख के मुँह में पानी आ रहा, वाव वाव बोल रहे।
दुआ कर रहे हैं हम लोग दाहर में। दुआ कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर, इफ्तार का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर रयान को भी रोज़ा रखेंगे हम, अच्छे से दिल से दुआ मांग रहे सब लोग, अल्लाह हमारा ये रोज़ा कबूल करे, आसान से पूरे रोज़े गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में दरख्वास्त हमारे लिए, ख़ास करके बच्चों के लिए, हमारे लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में। अल्लाह।